मैं सुफिया मलिक और आप देख रहे हैं पीके न्यूज। सबसे पहले वजीर अला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए जरूरी इकदाम पर पेशरफ पर रिपोर्ट पेश। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर मियाँ कबीर अहमद। जी कबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन के तरीक़ेकार का जायजा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने के लिए कार्रवाई तेज़ करने पर इत्तफाक। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए होल्डिंग एरियाज कायम, मुंतकली जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की शनाख्त मुस्तनद डेटा के जरिए करने के लिए मेकानिज़म तैयार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह और इमलाक किराए पर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की मदद करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। सूबाई वजीर इत्तला'आत आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सीसीबीओ कमिश्नर लाहौर, एडिशनल आईजी सीटीडी, डीआईजी ऑपरेशन और कानून नाफिज करने वाले अदारों के आला हुकाम की इजलास में शिरकत। तमाम कमिश्नर्स और आरपीओज भी इजलास में शरीक हुए। जी बहुत शुक्रिया मियां कबीर, हमें तफसीलात से आगाह करने का।